हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज, ए राइनोसोरस बीटल राइड द रिम ऑफ ए स्मॉल डिस्क दैट रोटेट लाइक ए मेरी गो राउंड। इफ द बीटल क्रॉल्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क, डू द फॉलोइंग इज रिलेटिव टू द सेंट्रल एक्सिस, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम फॉर द बीटल डिस्क सिस्टम, एंगुलर स्पीड। ओके, तो क्या पूछ रहा है हमें? हमारे पास एक एक डिस्क है, उसमें एक बीटल मूव कर रहा है। तो हमारा डिस्क जैसे जैसे रोटेट कर रहा है, और वो डिस्क वो बिटल क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है। तो हमारा एंगुलर स्पीड से स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताना है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये हम कब कर सकते हैं? बिकॉज व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम कब कर सकते हैं? जब एक्सटर्नल टॉर्क कोई अप्लाई नहीं हुआ होगा। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे पास मान लो एक हमारे पास ऐसे एक डिस्क है। ओके, एक ऐसा डिस्क है और ये हमारा एक्स सेंट्रल एक्सिस में, ये हमारा एक्सिस है एक। ओके, ये हमारा एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो एक बीटल ऐसे है, ये डिस्क में बैठा हुआ है। ओके, ये भी डिस्क में बैठा हुआ है। तो जैसे जैसे हमारा ये रोटेट कर रहा है, ये डिस्क रोटेट कर रहा है, ये बीटल क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द एक्सिस आ रहा है, टुवर्ड्स द एक्सिस मूव कर रहा है। उसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व, मतलब एल इज कॉन्स्टेंट। एल मतलब क्या होता है, आई इंटू ओमेगा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो मूवमेंट ऑफ इनर्सिया हम क्या जानते हैं, आई इक्वल्स टू एम इंटू आर का स्क्वेयर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम जानते हैं, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। आर हमारा क्या है, आर यहाँ क्या कर रहा है, हमेशा डिक्रीज करते करते जा रहा है। उसका मतलब आर अगर हमारा डिक्रीज करेगा, उसका मतलब आई भी डिक्रीज करेगा। हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन बीटल मूव्स टुवर्ड्स एक्सिस, मूव्स टुवर्ड्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्सिया विल डिक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिक्रीज किया मतलब क्या हुआ हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिक्रीज करेगा मतलब हमारा क्या, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, एल कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमारा ओमेगा क्या करना चाहिए, इंक्रीज। उसका मतलब एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज। ओके, सो आर आंसर इज एंगुलर स्पीड विल इंक्रीज। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।